गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हिमांशु ने सुबह मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज किया था जिसमें उसने कहा था कि चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ाइए। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को पहले पढ़ते हैं, फिर आगे के सिलेबस को कल से चालू करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 2 है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। हिंदी में दाब और एवं इसका मापन। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज जस्ट फोर्स अपॉन एरिया या नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट क्या हो जाएगा प्रेशर का? फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार बार बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसके लिए एक नया यूनिट, एक नया नाम दे दिया गया, पास्कल, जिसको पीए से डिनोट करते हैं। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 10^6। 1 जीगा पास्कल इक्वल टू होता है 10^9। एंड 1 मेगा पास्कल इक्वल टू, अगर एमएम के फॉर्म में देखें तो 1 न्यूटन पर mm² होता है। इसके अलावा 1 bar जो होता है वो होता है 10^5 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको हम 1 bar के इक्वेलेंट मानते हैं, मतलब 10^5 पास्कल। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, किसी लिक्विड द्वारा किसी सरफेस के यूनिट एरिया पे लगने वाला कुल बल। जब यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसको ही हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहते हैं। सेम प्रेशर ही है, बस यूनिट एरिया इसमें बोलना है। अब हम आते हैं प्रेशर हेड दाब शीर्ष, ये हमारा मेन फॉर्मूला है और इसी से हमारा यूनिट का सारा न्यूमेरिकल बनेगा, पी इक्वल टू रो जी एच। बस इस बात को याद रखिए, जब भी हम लिक्विड में नीचे की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, तो ये प्लस होगा, और जब भी हम ऊपर की तरफ आएंगे तो ये माइनस होगा। तो पानी में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, एच इंक्रीज होता है, इस कारण पी का वैल्यू भी बढ़ता है। तो पी इक्वल टू रो जी एच। रो है डेंसिटी, पानी का डेंसिटी 1000 होता है, अगर नहीं दिया होगा तो आप 1000 ले लेंगे। जी ग्रेविटी होता है जिसका वैल्यू 9.81 होता है। इसके अलावा एच आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। एच निकालने के लिए आप पी बाई डब्ल्यू कर सकते हैं, डब्ल्यू मतलब स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, जिसको हम रो जी भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर, ये थ्योरी है जिसमें 3 तरह के प्रेशर हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड अब्सोल्यूट प्रेशर। अब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ने से हमें मिलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जितना प्रेशर लगाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे कि देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब अपन चार्ट में देख रहे हैं तो 0 से लेके जो भी 1 bar जो है उसको हमने एक लाइन में शो कर दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में कोई किसी भी प्रेशर को नापते हैं तो उसको गेज प्रेशर कहते हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब देखिए, इस पॉइंट का प्रेशर नापना है तो हम इस रेफरेंस लाइन से नहीं नापेंगे, हम नापेंगे पी एटीएम से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यहाँ से जब हम नापते हैं तो अगर ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव गेज प्रेशर, अगर ये नीचे है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर। नेगेटिव गेज प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लें। इसके अलावा एक थ्योरी पोर्शन है प्रेशर गेजेस। प्रेशर गेजेस में ऐसे डिवाइसेस जिनसे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं उनको प्रेशर गेजेस कहते हैं। इन्हें मैकेनिकल गेजेस या मैकेनिकल प्रेशर गेजेस भी हम बोल सकते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं जनरली, डायफ्राम प्रेशर गेज, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डेड बेड प्रेशर गेज, बेलोस प्रेशर गेज, जिसमें से एक को हम पढ़ेंगे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या नीचे, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरफ के प्रेशर को इसमें मेजर कर सकते हैं। एक सर्कुलर ट्यूब होता है जिसका एक एंड ओपन होता है, एक एंड क्लोज होता है, क्लोज एंड फिक्स फ्लेक्सिबल होता है, जबकि ओपन एंड फ्री होता है। ये इसका डायग्राम है, ये वेंस है, ये बॉर्डन ट्यूब का ये ओपन फेस है, ये क्लोज फेस है। तो क्लोज फेस जो है वो फिक्स है, ओपन फेस जो है वो फ्लेक्सिबल है। जब भी प्रेशर अपन मेजर करते हैं गेज को लगा के, तो ये कंप्रेस होता है या एक्सपेंड होता है, जिसके कारण वेंस अपने रीडिंग को शो करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका प्रेशर क्या होगा। अब हम आते हैं इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, मैनोमीटर्स में। मैनोमीटर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और प्रेशर मेजर करने के लिए इसमें फ्लूड कॉलम की बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग करने के लिए हमें पी इक्वल टू रो जी एच का फार्मूला यूज़ करना होगा। मैनोमीटर 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल मैनोमीटर, साधारण मैनोमीटर, जिनसे हम किसी एक पॉइंट पर प्रेशर मेजर करते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं जिनसे हम कोई 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर पता करना है तो सिंपल मैनोमीटर यूज़ करेंगे, किसी 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर अगर हमें पता करना है तो हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करेंगे। अब सिंपल मैनोमीटर के 2 टाइप्स हैं, जिसमें से पहला है पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो दोनों एंड से ओपन होता है, दोनों तरफ खुला हुआ होता है। इसका एक पॉइंट को हम वहाँ पर फिक्स कर देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये पाइप है और ये पीजोमीटर, ये सिंपल सा जो पीजोमीटर, तो इसके एक एंड को वहाँ पे फिक्स कर देते हैं जहाँ का प्रेशर पता करना है, और फ्लूड कॉलम, जहाँ तक भी फ्लूड बढ़ जाता है कॉलम में उसको फ्लूड कॉलम बोलते हैं। ये एच से हम रो जी एच करके निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो इसको इसको कहा गया सिंपल मैनोमीटर। अब इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यूट्यूब मैनोमीटर आ गया। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है कि एक यू शेप का मैनोमीटर होता है, ये आप देख रहे हैं, ये यू शेप का मैनोमीटर होता है जिसका एक एंड को हम पाइप में फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या होता है, पाइप में कोई लिक्विड होगा, जैसे कि पाइप में ये लिक्विड है जिसको डॉट डॉट डैश 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 से सोख किए हैं। इसके अलावा जनरली एक हैवी लिक्विड लेते हैं हम, ताकि ये अगर ये लाइट लिक्विड होगा और इसमें अगर हैवी लिक्विड होगा तो फ्लूड कॉलम्स लिक्विड बाहर चले जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे हैवी लिक्विड को लेते हैं। हैवी लिक्विड यहाँ पर रहेगा तो ये बाहर नहीं जाएगा। अब हैवी लिक्विड लेने के बाद जब इसको जोड़ते हैं हम पाइप में, तो फ्लूड जो भी आता है उसका हाइट को मेजर करते हैं। इसके अलावा जो मैनोमीटर में जो वो है लिक्विड है उसके दोनों लेवल्स को हम बैलेंस कर देते हैं। इसको कहा गया है बैलेंसिंग ऑफ फ्लूड कॉलम। इनको बैलेंस कर देते हैं क्योंकि इन दोनों का फिर जो हाइट होगा उससे प्रेशर के वैल्यू सेम आएंगे। नीचे आने से प्लस लेना, ऊपर जाने से माइनस लेना, तो प्लस माइनस बराबर कर देंगे एक दूसरे को, इसलिए हम इसको एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं और उसके नीचे को छोड़ देते हैं जिसमें सेम लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल भी ऐसे ही बनेगा। ए जो है हमारा रेफरेंस लाइन है, जो रेफरेंस लाइन कैसे बनाना है, जो सेम लिक्विड हो मैनोमीटर में उसके थ्रू बनाना है। H1 क्या है, जो पाइप में जो लिक्विड है उसका हाइट है। H2 क्या है, जो कि मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसका हाइट है। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो जहाँ का हमें पता करना है, जैसे इस पॉइंट का पता करना है, तो सबसे पहले लिखिए PA, फिर नीचे आ रहे हैं तो क्या करना है, प्लस करना है, प्लस रो जी एच वन, और ऊपर जा रहे हैं उसके यहाँ से यहाँ छोड़ दीजिए, फिर ऊपर जा रहे हैं तो माइनस रो जी एच टू। देखिए, PA प्लस रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच टू इक्वल टू जीरो। PA इक्वल टू रो वन जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, इसको बराबर को इधर कर दिए तो ये फॉर्मूला मिल गया। अब वैक्यूम प्रेशर के लिए देख लेते हैं। वैक्यूम प्रेशर के लिए जब क्या हो कि पाइप से जब हम जोड़ें, ठीक है, पाइप से जब हम जोड़ें तो देखिए ये फ्लूड का लिक्विड यहाँ आ गया और ये मैनोमीटर का लिक्विड यहाँ आ गया। अब ये यहाँ तक है तो इससे यहाँ से यहाँ तक सेम लिक्विड है, तो इसको बैलेंस कर दिए। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा प्रेशर का, PA प्लस रो वन जी एच वन, और ये दूसरा लिक्विड है तो हर लिक्विड के लिए रो अलग होगा, प्लस नीचे ही आ रहे हैं इसीलिए प्लस होगा रो टू जी एच टू। देख लीजिए, PA प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू, PA इक्वल टू माइनस रो वन जी एच वन, इस फॉर्मूले से बन जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। द राइट लिम ऑफ अ सिंपल यूनिट यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू द एटमोसफेयर वाइल द लेफ्ट लिम इज कनेक्टिंग टू अ पाइप। एक राइट लिम जो होगा मैनोमीटर का वो ओपन होगा एटमोसफेयर को, लेफ्ट लिम जो होगा वो कनेक्ट होगा किसी पाइप से, जिसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड में पाइप में कितने का, 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड बह रहा है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम, मतलब पाइप का सेंटर जो है वो राइट लिम में मरकरी जहाँ तक भी उससे 12 सेंटीमीटर नीचे है, फ्लूड का प्रेशर निकालिए। तो हमको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। हमने एक पाइप बनाया, पाइप में हमने मैनोमीटर को जोड़ दिया। मैनोमीटर को जोड़ने के बाद ये जो लिक्विड है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, इसका हाइट नहीं दिया हुआ तो इसको हमने छोड़ दिया, और यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़ा दिया मैनोमीटर के लिक्विड को। मरकरी अगर कोई लिक्विड नहीं बताया तो हम मरकरी लेंगे, और मरकरी का रो होता है 13,600, और 13,600 अगर इसका रो होता है 13,600 तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है 13.6, इसको आपको याद रखना। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बैलेंस कर दिया। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि राइट लिम में जो मरकरी है वो पाइप के सेंटर से कितना नीचे है, तो 12 सेंटीमीटर ऊपर है, सॉरी ऊपर है, तो पाइप के सेंटर से ये 12 सेंटीमीटर हमने ऊपर दिखा दिया मरकरी को, और टोटल मरकरी का हाइट जो है वो अभी देखते हैं क्या मिलता है हमको, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पोर्शन छूटा हुआ था। देख लीजिए, इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर, दोनों मरकरी लेवल का डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, मरकरी लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 20 सेंटीमीटर। दो वैल्यूज मिल गए। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले का हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दिया हुआ, तो हम डेंसिटी निकाल लिए 1000 का इंटू करके, कितना हो गया 900। दूसरे में मरकरी है, मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, तो इसका रो निकल गया 13,600 या 13,600 केजी पर मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर लिखा गया यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी अपने नोट्स में, मीटर क्यूबिक। ओके, उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए,
H2 मतलब सेकंड कॉलम में कितना कहाँ तक लिक्विड है, तो 20 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज के 0.2 हो गया। H1 जो हमें निकालना था, तो ये टोटल 20 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो पाइप के सेंटर से यहाँ तक का वैल्यू निकालना था। 20 माइनस 12 करेंगे तो मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर हो गया, 0.08 मीटर। तो फिर प्रेशर निकाल लेते हैं, पाइप का प्रेशर निकालेंगे तो P इक्वल टू P प्लस नीचे आ रहे हैं ρ1 gH1, यहाँ से यहाँ तक बराबर, ऊपर जा रहे हैं -ρ2 gH2। P प्लस पहले वाले का था डेंसिटी 900, फिर 9.81 इंटू 0.08 -1360 इंटू 9.81 इंटू 0.2। अब P का वैल्यू निकल गया 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमको निकालना है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के न्यूमेरिकल्स को। डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होगा, दो पॉइंट्स होंगे, इसको मान लेंगे पी ए और ये भी कहीं कनेक्ट होगा, तो उसको मान लेंगे पी ए पी बी। तो स्टार्ट करेंगे पी ए से, पी ए प्लस लेंगे और ख़त्म होगा पी बी से, पी बी को माइनस लेना है, तो पी ए माइनस पी बी का वैल्यू मिलता है हमको डिफरेंशियल में। अब आते हैं यहाँ पे इंक्लाइन मैनोमीटर भी है, दिस मैनोमीटर, ये जो मैनोमीटर होता है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इंक्लाइनेशन के कारण क्या होता है, अगर ये सीधा होता तो लिक्विड कम ऊपर तक चलता, इंक्लाइनेशन के कारण लिक्विड ज़्यादा ऊपर तक क्लाइम करता है, चढ़ता है, जिस कारण इसको ज़्यादा सेंसिटिव माना गया है। अब देखिए इसमें अगर एंगल वाइज देखें तो जो टर्न एंगल है इसको मान लिया गया है थीटा, ठीक है, और ये जो लेंथ है इंक्लाइनेशन लेंथ इसको मान लिया गया है एल, और हाइट मान लिया गया है H2। तो डिफरेंस क्या आता है ये देखते हैं हम लोग। डिफरेंस बस एक ही चीज़ का आता है डिफरेंस, यहाँ पर सिंपल फार्मूला जो है वो तो हमारा ऐसे ही लगता है कि पी प्लस ρ1 gH1 माइनस ρ2 gH2 इक्वल टू 0, पी इक्वल टू ρ2 gH2 माइनस ρ1 gH2। तो यहाँ पर जो मेन जो चेंजेस आता है वही आता है जब हम साइन थीटा करते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर जब हम साइन थीटा करते हैं तो अगर इसको एक ट्रायंगल माने तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब है H2 और कर्ण है L, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपो करना है हमें, H2 बाई L करना है। तो H2 बाई L के जब करते हैं साइन थीटा इक्वल टू H2 बाई L, तो यहाँ से H2 का वैल्यू मिलता है हमको L sin थीटा। तो बस यहीं पे H2 की जगह में आपको क्या रखना है, L sin थीटा रखना है। तो इस तरह से आपका इसका न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में सेम सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस क्या होगा यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, दो पाइप्स हमें जोड़ सकते हैं, जिसके कारण क्या हो, एक पाइप में एक लिक्विड हो, दूसरे पाइप में दूसरा लिक्विड हो, और बीच में मरकरी हो, तो तीसरा लिक्विड, ये तीन लिक्विड हो जाते हैं। तो तीन रो मिल जाते हैं, ρ1 ρ2 ρ3, ठीक है, और तीन हाइट भी मिल जाते हैं। तो फार्मूला सेम ऐसे ही है, पी ए ρ1 g, हाइट जो भी रहेगा प्लस माइनस करके जोड़ दीजिएगा, फिर अगर ऊपर जा रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, और लास्ट में आपको माइनस पी बी करना। तो इसका जो वैल्यू आएगा पी ए माइनस पी बी के फॉर्म में आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट द टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ टू पाइप शोन इन फिगर। दो दो जगह कनेक्ट है, द पाइप ए कंटेंट्स अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसके कारण इसका डेंसिटी हो जाएगा कितना, 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। वाइल द पाइप बी कंटेंट्स अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, जिसके कारण इसका डेंसिटी हो जाएगा 900। एंड उसके बाद बीच का कुछ नहीं बोला, तो हम इसको क्या मान लेंगे, मरकरी मान लेंगे, जिसका हो जाएगा 13600 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बता रहा है द पाइप ए कंटेंट्स लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो हमने पढ़ लिया। द प्रेशर एट ए एंड बी आर 1 kg/cm एंड 1.80 kg/cm, मतलब यहाँ का 1 kg/cm² है, यहाँ का 1.8 kg/cm². फाइंड द डिफरेंस इन मरकरी लेवल इन द डिफरेंशियल मैनोमीटर। यहाँ पे आपको पी ए माइनस पी बी नहीं निकालना, यहाँ उन दोनों के वैल्यूज मिल गए हैं प्रेशर के, यहाँ पे आपको जो डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल है ये निकालना है आपको, दोनों कॉलम के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए पहले लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 था, तो इसका डेंसिटी हो गया वो 1500। पी ए 1 kg/cm², हम जानते हैं कि 1 kg फोर्स इक्वल टू कितना न्यूटन होता है, 9.81 न्यूटन होता है, तो ये हो गया 9.81 न्यूटन/cm². सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो कम एरिया से ज़्यादा एरिया में आ रहे हैं, ठीक है, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, अब मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एरिया बड़ा हो गया, बड़ा एरिया हो गया, वैल्यू भी बड़ा हो जाएगा। तो 10^4 का इंटू करना, तो ये आ गया प्रेशर के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। H2 देखिए 0.9 था तो 900 मिल गया, पी बी 1.8 था तो सेम इसमें 9.81 × 10^4 जोड़ दिया, तो ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल गया। थर्ड में मरकरी हमने रखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 और इसका डेंसिटी आ गया 13600। पी ए प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, पी ए फिर नीचे आ रहे हैं तो प्लस, यहाँ से यहाँ तक सेम लिक्विड है,
तो रो वन 1500 इंटू जी 9.81 इंटू एच 3 + 2, एच कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट हो गया 5, सेम लिक्विड है ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मरकरी है, ये भी नीचे आ रहे हैं, तो प्लस रो टू या रो एम जो भी लिखना चाहें हम, रो एम या रो टू जो भी लिखना चाहें, इंटू रो टू कितना हो जाएगा आपका 13600 इंटू जी 9.81, और एच का वैल्यू आपको रख देना है, एच ही रखना क्योंकि एच फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो बराबर हो गए, फिर यहाँ से यहाँ सेम लिक्विड है, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस करिए, माइनस रो थ्री कितना है, एच 0.9 है तो 900 हो गया इंटू जी 9.81 इंटू एच, एच मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ एच और यहाँ से यहाँ टू, एच प्लस टू हो गया, एच प्लस टू लिखना है, माइनस पी बी लिखना है। ओके देखते हैं अब हमको क्या मिल गया है, हमारा इक्वेशन हमको मिल गया है, ये देख सकते हैं आप, नाइन पॉइंट प्रेशर का वैल्यू रख दिए 9.81 इंटू 10⁴, ये देखिए सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे एच प्लस टू भी आ गया और पी बी का वैल्यू भी रख दिया, ये रखने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, एच का वैल्यू आपको मिल जाएगा ठीक है, सिंपली ऐसे ही सॉल्व कीजिए। इसके बाद देखिए इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यहाँ पे एक पोर्शन छूट गया इस यूनिट पे आखिरी, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है वो जस्ट यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का अपोजिट होता है, एकदम जस्ट उल्टा आपको करना है। क्या करना है आपको, जब इसको उल्टा कर देंगे आप, तो आप जो ऊपर जाएंगे इसको माइनस करना है, आप जो नीचे आएंगे उसको प्लस करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को अगर देखें हम, तो पी ए ऊपर जा रहे हैं तो माइनस रो वन जी एच वन, फिर यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ नया लिक्विड है तो रो टू जी इंटू एच माने हैं तो एच हो गया, फिर नीचे आ रहे हैं तो प्लस रो थ्री ठीक है, जैसे सॉरी इसको एस माने हैं, तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रो वन जी एच वन हो गया माइनस में, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आ रहे हैं इसको एस माने हैं, तो रो टू भी मान सकते थे, एस भी मान सकते थे, चलिए हमने एस मान लिया, तो नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस रो एस जी एच, अब इसको देख लेते हैं, इसको टू माने हैं तो प्लस रो टू जी एच टू ओके माइनस पी बी, तो फिर पी ए माइनस पी बी को एक तरफ कर दीजिए, बाकी वैल्यूज को एक तरफ कर दीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है, जनरली तो जो भी मैनोमीटर में जो लिक्विड होगा उसको लेना है अपने को, उसका डेंसिटी लेना है 13600, मरकरी का जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 भी आप ले सकते हैं, या फिर इसका डेंसिटी 13600 भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वाटर होगा तो आपको डेंसिटी लेना है 1000, और अगर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ करना है तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए 1। देखिए डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी छोटा वैल्यू होता है, जब भी डेंसिटी मिलता है 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एस मिल जाएगा। जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी आपको पता करना है तो 1000 का इंटू कर दीजिए ठीक है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो 1000 का इंटू करेंगे तो 1000 आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा। अगर किसी फॉर्मूले में आपको डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में दिक्कत हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं, हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक लिक्विड का जो होगा वो दूसरे लिक्विड का हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी के रेशियो के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने अपने तरफ से आपको फिर से रिवाइज कराया है सेकेंड यूनिट को, आप पढ़िए और फिर जो भी डाउट होता है मुझे फ़ोन कीजिए, मैं पर्सनली आपको हैंडल करूँगा ठीक, और कोई भी झिझक नहीं होना चाहिए, जिसको जब भी कोई भी डाउट हो आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में अभी तक जितने भी यूनिट हमने पढ़ाए हैं उसमें से आप किसी भी यूनिट में हम पूछ सकते हैं, कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं जिसको अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं हम, और ऑनलाइन उसको पढ़ा पाना भी थोड़ा दिक्कत ही है, क्योंकि इसके लिए ब्लैक बोर्ड होता है और आप लोग सामने होते तो ज़्यादा बेटर होता, पर फिर भी कुछ भी हो, चाहे आपके एग्ज़ाम्स के डेट जैसे भी हो जो भी हो, हम कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करेंगे ही कि आपका कम से कम 4 से 5 दिन का क्लासेस तो मैं लूँगा ही, जिससे आपको आप एग्ज़ाम में आराम से निकल सकें ठीक, घबराने की बात नहीं, अभी तक जितने यूनिट पढ़े हैं उसको आप अच्छे से करते जाइए, और जो भी दिक्कत होता है मुझे बेझिझक जितने भी समय आपको फ़ोन करना है आप कर सकते हैं, रात को भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप रात को भी स्टडी कर रहे हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पर आ रहा है तो आप बेझिझक मुझे फ़ोन करिए, एक बार में अगर फ़ोन नहीं उठता है तो आप 3-4 बार मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।